सारी हाइटी हो रही है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छी लगी हुई है आपको? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आज हम आए हुए हैं तंदूर रेस्टोरेंट, जो कि हाई टी है और 60+ यहाँ पे आइटम्स हैं, और बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी हमने इनकी, तो हमने सोचा यहाँ का विज़िट किया जाए। ये नॉर्थ नाजमाबाद 5-स्टार चुरंगी के पास ही है, तो चले आए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या माहौल है अंदर का। और हम अंदर जाने के लिए रेडी हैं। हम अंदर आ गए हैं और अभी टाइम नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करवा रहे हैं ये सबको, तो हम भी इनके साथ वेट कर रहे हैं। और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है हाई टी का, तो फिर हम चलते हैं। और हाई टी इनकी रूफ टॉप पर है, तो बस यहाँ वेट हो रहा है। और ये सारी इनकी हाई टी की डिटेल है, चाइनीज़ है, फास्ट फूड है और देसी भी है, सैलेड्स हैं, सूप्स हैं, और तमाम डिशेस यहाँ पर हैं हाई टी के हवाले से। और ये सारा इनकी डिटेल है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। और हम ऊपर आ गए हैं, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छी लोकेशन थी, और साफ़ सुथरा एकदम से अंदर आते ही एक अच्छा सा फ्रेश लुक का एहसास हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि इन लोगों ने हर चीज़ का बड़ा अच्छा सा इन्होंने वो प्रेजेंट किया हुआ था। हर चीज़ रैप हुई हुई थी, प्लास्टिक रैपिंग से इन्होंने रैप किया हुआ था हर चीज़ को। हाइजीन का बहुत अच्छा सा इन्होंने ख्याल रखा हुआ था। तो चले आए हम इनका मेन्यू आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ये बर्गर है, शामी बर्गर था, ये देखें रैप हुआ हुआ है बहुत अच्छे सा। उसके बाद ये रोल है, चटनी रोल था। उसके बाद ये बड़े मज़े से मज़ेदार से कटलेट्स हैं, और इसमें स्प्रिंग रोल रखे हुए थे। हर चीज़ आप देख लें कि रैप हुई हुई है इनकी, तो हाइजीन का बड़ा अच्छा ख्याल है। ये समोसे थे, और ये पीटा ब्रेड सैंडविच टाइप की कोई चीज़ है, और ये भी सैंडविच हैं, ब्रेड सैंडविच है ये। इसके बाद ये बॉक्स पेटीज थी, हर चीज़ बहुत फ्रेश थी। ये भी पेटीज टाइप का कुछ है, हर चीज़ फ्रेश थी, साफ़ सुथरी थी, नीट एंड क्लीन था, सब कुछ बहुत ओसम लग रहा था। और लोकेशन बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी जो चीज़ लग रही थी, प्लेट्स वगैरह, चम्मच, हर चीज़ नीट एंड क्लीन। और ये देखने ये सारे सॉस वगैरह रखे हुए सूप के लिए, बहुत मज़ेदार सा यमी सा ये देखें हॉट सूप था। इसके अलावा कुछ क्रैकर्स थे, और हलवा पूरी के सारे लवाजमात थे, चने हैं, आलू का तरकारी का सालन है, अचार, मज़ेदार सा अचार। इसके अलावा विंग्स थे, बारबेक्यू में विंग्स थे, मिर्ची फ्राई हुई हुई थी। इसके अलावा सीख कबाब थे, जो बहुत यमी और मज़ेदार थे, और चाउमीन, चिकन चाउमीन, जिसमें से भी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। और ये मंचूरियन था, इसके बराबर में ही एग फ्राइड राइस, अल्फ्रेडो पास्ता, और ये था चिकन स्टेक, कुछ सॉसी सा, चीज़ी सा स्टेक था, फ्राइज रखे हुए थे। ये मज़ेदार सा हलीम, बड़े मज़े का देख में इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था, साथ में हलीम के सारे लवाजमात थे, जिन्हें देख के ही मुँह में पानी आ रहा था कि बस जल्दी से हलीम की प्लेट तैयार कर लें और शुरू हो जाएं। और उसके बाद गोलगप्पे का सेक्शन था, गोलगप्पे भी बहुत मज़े के थे, हर तरह के इनके पास पानी थे, खट्टे मीठे, और ये मिट्टी के बर्तन में इन्होंने गोलगप्पे रखे हुए थे। चने थे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना लें, सारी चटनियाँ, मसाले, दही बड़े थे, दही बड़ों के भी सारी लवाजमात इन्होंने रखे हुए थे, सेव, चटनी, पापड़ी, दाल मोट, और खट्टी चटनी, दही का रायता,
और ये खट्टे आलू थे। सैलेड बार शुरू हो गया ये इनका यहाँ से। सबसे अच्छी चीज़ देखें, हर चीज़ इन्होंने प्रॉपर मेंटेन करके हर चीज़ रैप करके रखी हुई है। इसके बाद ये इनका डेजर्ट एरिया है, जेलीस थी, कस्टर्ड था, ट्राइफल था, पेस्ट्री थी और ब्राउनीज थी। सारा कुछ बहुत अच्छा था और हर चीज़ मतलब नीट एंड क्लीन थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। बिस्किट्स भी थे, बेकरी के फ्रेश बिस्किट हैं यहाँ पर, जूसेस थे। और ये लोग स्मोक दे रहे हैं यहाँ पे ताकि कोई भी मच्छर मक्खी यहाँ पे करीब ना आए खाने पीने के। और हाई टी स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, सारी चीज़ें टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी, बहुत फ्रेश थी और बहुत मज़ेदार थी। यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, सीख कबाब बन रहे हैं इस साइड पर। तो हम लोगों ने जो जो चीज़ ट्राई की सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी। तो कराची में जो लोग रह रहे हैं ज़रूर आएँ दंदन हाई टी, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, लोकेशन बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, टेस्टफुल है। ये देख लेंगे, इसका व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बड़ी अच्छी चीज़ लग रही थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग पिक्चर बनवा रहे थे, झिलमिल झिलमिल करता हुआ कुछ इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ था। फिर मैंने और शहीद ने भी यहाँ पिक्चर बनवाई, बहुत अच्छा लग रहा था हम दोनों को भी यहाँ पर। और उसके बाद बस फिर हाई टी का टाइम ओवर हुआ तो हम, मैं और मेरा बेटा भी हम निकले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और थैंक्स उन सब लोगों का जो इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं अभी तक मुझे। और बस उसके बाद आप एक्सिट हो गए, अब सेकेंड हाई टी का टाइम शुरू हो चुका था। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।